ओके चिल्ड्रन, तो हम लोग को द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 रिवाइज करना था एंड वी हैड टू स्टार्ट सेक्शन 4. सो अब हम रिवाइज करते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. हमें पता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक कम्युनिटी के बीच में, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस कम करना चाहती थी, तो उसने काफ़ी अटेम्प्ट्स भी करे थे. सो अब जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था, लेनिन को ये लग रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटरशिप सेट कर देगी रशिया में, और सितंबर में उसने डिस्कशंस लेने लग गया अगेंस्ट दी गवर्नमेंट. बोल्शेविक सपोर्टर्स आर्मी सोवियत और फैक्ट्रीज में सब साथ में लाए गए थे, और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को परसू करा कि वो सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करे, मतलब सीज कर ले पावर और सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट बने. अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कम्युनिटी वॉज अपॉइंटेड बाई द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर. अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कम्युनिटी को अपॉइंट करा गया था और लियोन ट्रॉट्स्की इसका हेड था, और पर डेट नहीं बताई गई थी कि किस डेट को अपराइजिंग होगी, बट ऑन 24 अक्टूबर अपराइजिंग होने लग गई. प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, अब आप कंफ्यूज ना होना, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का हेड था वो लियोन ट्रॉट्स्की था, और जो उस समय का प्राइम मिनिस्टर था वो केरेंस्की था, सो डोंट कंफ्यूज. और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, तो आई हैव मा व्हाट हैपेंड ऑन 24 अक्टूबर करके, तो जो मैं आंसर चाहती थी वो मैंने मार्क करा हुआ है एग्जैक्टली विद द ब्लू हाईलाइटर. प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स को भेज दिया गया था टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और विंटर पैलेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने क्या करा, जो अपॉइंट करी गई थी सोवियत बाय दी सोवियत अंडर दी लियोन ट्रॉट्स्की, वो उसने क्या करा, उसने शेल करा विंटर पैलेस को बाय दी ऑरोरा शिप, और सीज कर लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस और मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया, मतलब बॉम्बिंग करी विंटर पैलेस में, देन ऑफ सीजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स. और भी सारे वेसल्स या शिप्स वो भी नीवा रिवर में आ गए थे और मिलिट्री पॉइंट्स को टेक ओवर कर लिया था, और सिटी वाज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कमिटी एंड मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड एट अ मीटिंग एट ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड. द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन. ये था आंसर, अ वेरी स्विफ्ट आंसर, टू दी पॉइंट आंसर. जो पूछा गया था बस वही बताया गया था कि गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने क्या क्या स्टेप्स लिए, एंड टू दी पॉइंट आंसर. ओके, अब इसमें क्या क्या लिखना नहीं ज़रूरी था, जैसे अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के हिसाब से लिखा जाए. जैसे सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, सेंसिंग ट्रबल ये इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना, सिर्फ आप ये भी लिख दोगे कि प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. फिल मिलिट्री मैन एट डॉन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है या ले पर्टिकुलर आंसर के लिए. ओके, इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री कमेटी, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है कि मिलिट्री कमेटी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी किसने अपॉइंट करी थी और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, ये पता है. ओके, सारे जो भी एक्शंस हुए थे ऑन 24 अक्टूबर वो हमने सब इंक्लूड कर लिए.
Now, as we have done this revision of October, Revolution October, now we will go to what changed after October. Now, the Bolsheviks were totally opposed to private property. अब हमें पता है socialism का माहौल था and socialists are against private property. सो जो बोल्शेविक्स भी थे वो भी अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. तो जो मोस्ट इंडस्ट्री और बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया था, मतलब गवर्नमेंट के वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं थे, वो नेशनलाइज कर दिए गए थे. और कब करे गए थे? नवंबर 1917 में. This meant that the government took the ownership and the management. The banks were nationalized. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अब government ने ownership और management संभाल ली थी banks और industries की, ज़्यादातर banks और industries की. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. Now जो land था वो social property declare कर दिया गया था और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया था कि जो लैंड नोबिलिटी का था उसको सीज कर लें. सिटीज़ में क्या हो रहा था? सिटीज़ ने बोल्शेविक्स ने इन्फोर्स करा था पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स. मतलब किसी का भी बहुत बड़ा सा घर है तो उसको पार्टीशन कर दिया जाए, उसका उसके हिस्से कर दिया जाए. और जिसकी जिसके हिसाब से फैमिली, अगर जिसकी बड़ी फैमिली है तो उसको बड़ा हिस्सा मिलेगा, जिसकी छोटी फैमिली है उसको छोटा हिस्सा मिलेगा. दे बैन द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. और बैन कर दिए गए थे जो टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी, मतलब रूल मोनार्क रूल के मेनली जो थे टाइटल्स. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials. अब चेंज को assert करने के लिए, चेंज को दिखाने के लिए नई यूनिफॉर्म रखी गई थी आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए. Following a clothing competition organized in 1918, where the Soviet hat was chosen. Now we can see this is the Soviet hat. इसको ब्यूडिनोवका भी बोलते हैं इस सोवियत हैट को. दिस इज दी हैट. ओके, सो दीज वर सम चेंजेस जो लिए गए थे आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन. द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड, मतलब दीज वर ओनली सम चेंजेस. अभी और हम लोग चेंजेस कर ही रहे हैं. This whole section is about changes after October Revolution. The Bolshevik Party renamed the Russian Communist Party. तो जो Bolshevik Party थी उसका क्या नाम पड़ गया था? उसका नाम पड़ गया था Russian Communist Party. और November 1917 में Bolsheviks ने conduct करे elections Constituent Assembly के लिए, but they failed to gain मेजॉरिटी सपोर्ट. बट मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं ला पाए वो अपना. तो नवंबर 1917 में उन्होंने ट्राई करा, फिर उन्होंने जनवरी 1918 में भी ट्राई करा और फिर से वो मेजॉरिटी नहीं ले पाए. इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड असेंबली. He thought that all the Russian Congress of Soviets were more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. अब जो जनवरी 1918 में असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक मेजर्स को और फिर लेनिन ने डिसमिस कर दी असेंबली. उसने बोला कि जो ऑल रशियन कांग्रेस है सोवियत्स की वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है बजाय किसी असेंबली के. मार्च 1918 में डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोविस्क. अब मार्च 1918 में डिस्पाइट ऑपोजिशन, अब 1914 टू 1919 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी एंड वी नो दैट जर्मनी और
रशिया दूसरी साइड्स पर थे, पर 1918 में बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ पीस बना लिया। तो इन मार्च 1918 डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलाइज, मतलब जो रशिया के अलाइज थे उनके ऑपोजिशन के बावजूद भी बोल्शेविक्स ने पीस बनाया जर्मनी के साथ, कहाँ पे, एट ब्रेस्ट लिटोवोस्क। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम द वन ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। अब जो ईयर्स 1918 के बाद के थे, सिर्फ बोल्शेविक्स ही एक ऐसी पार्टी थी जो पार्टिसिपेट करती थी ऑल रशियन कांग्रेस और सोवियट्स के लिए, और वही पार्लियामेंट बनी कंट्री की। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, और रशिया बन गई वन पार्टी स्टेट। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जो ट्रेड के यूनियंस थे वो भी पार्टी के कंट्रोल में ही रखे जाते थे। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द शेखा फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। अब जो सीक्रेट पुलिस थी वो उन लोगों को पनिश करती थी जो बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिलाइड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। जो यंग राइटर्स और आर्टिस्ट थे वो पार्टी के साथ थे क्योंकि वो सोशलिज्म के लिए खड़ी होती थी और वो चेंज के लिए खड़ी थी। After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship of the party encouraged. 1917 के बाद बहुत सारे experiments हुए arts और architecture में, but बहुत लोग disillusioned हो गए, मतलब उनको साफ साफ नहीं दिख रहा था, वो किसी को डिल्यूज करना मतलब कि उसको सही रास्ता ना दिखा के बल्कि उसको भटकाना, या उसको सही चीज़ ना बताना बल्कि उसको झूठ दिखाना, उसको डिल्यूज करना। लाइक वी गो इनटू, अगर कोई मैजिक शो होता है, मैजिशियन ट्रिक्स परफॉर्म करता है, पर हम लोग को क्या लगता है, हमको लगता है वो मैजिक होता है। तो बेसिकली जो मैजिशियन होता है वो हम लोग को डिल्यूजन दिखाता है एक। सो बट मैनी बिकेम डिल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी इनकरेज। पार्टी सेंसरशिप मतलब जो उसके जो वो चाहती थी, जो फेवर में चाहती थी, सिर्फ वही पब्लिश होता था और वो सेंसर होके लोगों के सामने आता था। नाउ दिस इज अ फोटो of May Day demonstration in Moscow 1918. Now we will start the Civil War. Before starting the Civil War, मैं what changed after October में कुछ discuss करना चाहूँगी। अगर हम unpolitical चेंजेस के बारे में बात करें, मतलब पॉलिटिकल चेंजेस को हटा के अगर बात करें, तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने जितना मार्क करा हुआ है दैट इज़ दी आंसर। ओके, एंड इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस कि क्या चेंजेस हुए आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो उसमें पॉइंट्स आएंगे ओनली द पॉइंट्स जो उस समय हो नहीं रहा था, जो चेंज करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ओके, इन मार्च 1918 डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलाइज द बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवोस्क। ये एक पॉइंट है। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, ये एक पॉइंट है। ओके, द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, दिस इज वन पॉइंट। ओके, लेनिन डिसमिस द असेंबली, दिस इज वन पॉइंट। ओके, द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू ऑल
दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट बिकॉज उसी से हमें पता चलता है कि रशिया वन पार्टी स्टेट इसलिए बनी थी क्योंकि, और मतलब जो पार्टी हेड था जो वन स्टेट पार्टी, वो पार्टी थी ऑल रशियन कांग्रेस और सोवियट्स। सो इन द सेकेंड पैराग्राफ मेनली क्या है, मेनली उसमें पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात हो रही है एंड ऊपर इकोनॉमिक सोशल चेंजेस के बारे में बात हो रही है। ऑल्दो दीज आर ऑल्सो देयर रिजल्ट्स, मतलब सीक्रेट पुलिस है ना, सेंसरशिप, सो आपको ये पॉइंट्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर मैं पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करूँ, लाइक ट्रेड यूनियंस व कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, द सीक्रेट पुलिस पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक्स, देन मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट बिकेम डिल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी इनकरेज्ड। So these are some points for political changes and these are some points for unpolitical changes. Okay, so if I give questions based on this, I don't want any mistakes. Aur agar aapko what changed after October mein koi doubt hai, to you are free to ask. Now we will start with the civil war. Now, what is the meaning of civil war? Civil war उसको बोला जाता है जो war होती है within the same country, उसके citizens के बीच में। So एक ही country के जब citizens आपस में लड़ते हैं उस वॉर को बोला जाता है सिविल वॉर। ये कोई रायट्स नहीं होते बट इट इज़ अ प्रॉपर, नॉट आई वुड से अ प्रॉपर वॉर, रायट्स एक छोटी सी जगह पर होते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। वॉर दे एक्सटेंड मोर लॉन्गर और काफ़ी ज़्यादा वो भी होता है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड। नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे जो बोल्शेविक्स थे, जो सपोर्टर्स ऑफ बोल्शेविक्स थे एंड द बोल्शेविक पार्टी, उसके अगेंस्ट में लोग क्यों खड़े हो रहे थे और कैसे कैसे इसके कॉजेस बिल्डअप होते गए जो लीड करे सिविल वॉर में। व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगैन टू ब्रेक अप। अब जब बोल्शेविक्स ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर करा तो जो सोल्जर्स थे और जो पीजेंट्स थे वो घर जाना चाहते थे ताकि उनको, मतलब जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मिल जाए। सो द रशियन आर्मी बिगैन टू ब्रेक अप, मतलब रशियन आर्मी टूटने लगी क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो घर जाना चाहते थे। Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. मतलब वो घर जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने जो आर्मी थी वो छोड़ दी और वो घर आ गए, डिजर्ट कर दिया उन्होंने आर्मी को। मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना, या अगर आप कहीं अकेले जा रहे हो या किसी ने को जो कोई आपके साथ जा रहा था और उसने आपको छोड़ दिया कहीं पे, तो उसका मतलब होता है डिजर्टेड। तो योर सपोजली योर फ्रेंड डिजर्टेड यू, ओके, तो डिजर्टेड इज़ अ इधर उस पे जाना है इंग्लिश के टर्म्स पे, ओके। सो सोल्जर्स घर जाना चाहते थे और उन्होंने आर्मी छोड़ दी और इसी वजह से जो रशियन आर्मी थी वो टूटने लगी, इट बिगैन टू ब्रेक अप। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स, अब कौन कौन अगेंस्ट में था, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, जो सपोर्ट करते थे ऑटोक्रेसी को, मतलब किंग और क्वीन के रूल को, वो कंडेम कर रहे थे बोल्शेविक की अपराइजिंग को।
ओके देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स. अब बोल्शेविक्स को द रेड्स बोला जाता था. तो जो लीडर्स थे इन सब के नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी वो उनके लीडर्स साउथ रशिया में चले गए क्या करने ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स द रेड्स. तो वो इकट्ठा करने लोगों को और आर्मी को कि वो लड़े बोल्शेविक्स से द रेड्स. बोल्शेविक्स को क्या बोला जाता था द रेड्स. ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और वाइट्स द प्रो स्टारिस्ट्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. तो 1918 से लेकर 1919 तक जो ग्रीन्स थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और जो वाइट्स थे प्रो सारिस्ट वो कंट्रोल करते थे मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरिड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया. अब सोशलिज्म जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था तो फ्रेंच अमेरिका ब्रिटिश जापानीज इन सबको डर लगता जा रहा था कि जैसे जैसे सोशलिज्म रशिया में बढ़ता जा रहा था तो जो इसके नॉन सपोर्टर्स थे लाइक दी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जिनको मतलब बोल्शेविक्स का डर लग रहा था तो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और वाइट्स थे दैट इज़ द प्रो सारिस्ट वो अगेंस्ट में थे बोल्शेविक्स के. तो जो अगेंस्ट में थे उनको बैक कौन कर रहा था मतलब उनको सहारा उनको सपोर्ट कौन कर रहा था उनको सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच अमेरिका अमेरिकन एंड ब्रिटिश जापानीज ट्रूप्स. क्यों कर रहे थे ये उनको सपोर्ट क्योंकि वो वरिड थे बाय द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया. ऑल दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर. एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर लूटिंग बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन. तो जैसे ये ट्रूप्स लड़ने लग गए बोल्शेविक से जो लीड करी सिविल वॉर में और एक दूसरे को लूटना बैंडिट्री करना और फेमाइन ये सब बहुत कॉमन हो गया. नाउ वी विल डू टिल हियर ओनली एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू सम क्वेश्चंस हियर इन द वीडियो ओनली. मैं आपको लिख के वर्कशीट बना के नहीं दूंगी ग्रुप में. एंड दीज आर योर थ्री क्वेश्चंस. व्हाट वर द अनपॉलिटिकल चेंजेस आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन ये क्वेश्चन वन है. सेकंड क्वेश्चन है कौन कौन से पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन. व्हाट वर द पॉलिटिकल चेंजेस आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन. द थर्ड क्वेश्चन इज हु कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग एंड हु सपोर्टेड या बैक्ड देम. किसने बोल्शेविक अपराइजिंग को कंडेम करा और इन्हीं लोगों को जिन्होंने कंडेम करा है उसको उनको सपोर्ट कौन कर रहा था. ओके आपको ये नहीं लिखना है कि बोल्शेविक्स को कौन सपोर्ट कर रहा था आपको ये लिखना है कि जो बोल्शेविक को कंडेम कर रहे थे जो अगेंस्ट थे उनको कौन सपोर्ट कर रहा था. ओके